बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट पैथोलॉजी, और जो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल से बचने के लिए बॉडी में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। यानी आपकी बॉडी में क्या हुआ, फ्री रेडिकल बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन बॉडी उसको कैसे मैनिपुलेट करती है, कैसे उन फ्री रेडिकल से अपने आप को बचाती है, ये आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये है बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म। जो बॉडी है वो फ्री रेडिकल से बचने के लिए बॉडी में तीन तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है उसका नाम है स्पॉन्टेनियस डिके, यानी खुद ब खुद वो फ्री रेडिकल ख़त्म हो जाता है। सुपर ऑक्साइड का आपको पता है कि एक फ्री रेडिकल है। सुपर ऑक्साइड जोन सा होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, और वो स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर। यानी बॉडी कुछ भी नहीं करती, बॉडी के अंदर वो एक आपका सुपर ऑक्साइड का फ्री रेडिकल बन गया, लेकिन उसके हाईली अनस्टेबल होने की वजह से वो जो फ्री रेडिकल है वो खुद ब खुद ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, फ्री रेडिकल से बॉडी गेट रिड हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड है कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, यानी एंजाइम उन फ्री रेडिकल पे एक्ट करते हैं और उन फ्री रेडिकल्स को नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। जो पहला एंजाइम है वो है कैटलेज। ये जो कैटलेज एंजाइम है ये डीकम्पोज करता है H2O2 को। आपको पता है कि H2O2 भी इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्री रेडिकल। तो कैटलेज H2O2 पे एक्ट करता है और इसको ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से बॉडी गेट रिड ऑफ हो गई किससे, H2O2 से, जो विच इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्री रेडिकल। ऑक्सीजन भी नॉन टॉक्सिक है और वाटर भी नॉन टॉक्सिक है। तो कैटलेज ने H2O2 को विच इज़ अ टॉक्सिक फ्री रेडिकल कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन और वाटर के अंदर। दूसरा एंजाइम जो बॉडी में होता है, जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करके क्या करता है, फ्री रेडिकल ख़त्म कर देता है, वो है ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज। ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल को कन्वर्ट कर देता है वाटर के अंदर। आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्री रेडिकल। लेकिन हाइड्रोक्सिल रेडिकल जब आपकी बॉडी में आ गया है तो उस पर ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज एक्ट करेगा। उसकी एक्ट करने की वजह से वो फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर। ये एक टाइप है कि डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे बॉडी आपको फ्री रेडिकल से बचाती है। एक और एंजाइम बॉडी में होता है उसका नाम है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये सुपर ऑक्साइड को यानी O2- को डीकम्पोज कर देता है H2O2 में और ऑक्सीजन में। ठीक है, यानी सुपर ऑक्साइड ने एक तो काम कर दिया, सुपर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन में, लेकिन उसके साथ साथ उसने H2O2 में भी कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है कि H2O2 इज़ अ टाइप ऑफ अ क्या, फ्री रेडिकल। तो ये H2O2 आपको पता है कि कैटलेज इस पे एक्ट करेगा और ये कैटलेज इसे कन्वर्ट कर देगा वाटर और ऑक्सीजन में दोबारा। ठीक हो गया, यानी कैटलेज, ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये एंजाइम जो उनसे हैं ये फ्री रेडिकल को डीकम्पोज करके नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से बॉडी अपने आप को डिफेंस करती है फ्री रेडिकल के ज़रिए। थर्ड जो चीज़ आपकी बॉडी में होती है जो फ्री रेडिकल से आपको बचाती है, वो उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल सेरिलोप्लाज्मिन और विटामिन ई, ये फ्री रेडिकल को बनने ही नहीं देते। ठीक है, ये कैसे बनने नहीं देते, ये हम आगे भी पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल को जो सा फ्री रेडिकल बनता है इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से। ठीक है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में आ गया और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया तो वो फ्री रेडिकल बन जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को उसके शेल के अंदर जाने ही नहीं देते, ट्रांसफ़र ही नहीं होने देते, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल बनता ही नहीं है। अब डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी जो सी होती है जनरेट फ्री रेडिकल्स नॉर्मली। बॉडी आपकी जो है फ्री रेडिकल नॉर्मली प्रोड्यूस करती रहती है। जैसे आपको पता है विटामिन ए सी ई ये बॉडी में बनता रहता है। कुछ विटामिन बॉडी में बनते रहते हैं, कुछ आप जो बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल फल वगैरह लेते हैं और सब्जियां वगैरह खाते हैं, उनमें सारे ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो ड्राई फ्रूट में भी बहुत मिकदार में होते हैं। ठीक है, तो आप ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं
ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होने ही नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और फ्री रेडिकल बनता ही नहीं है। अब ये देखें विटामिन ए, ये विटामिन ए का स्ट्रक्चर है, ये विटामिन सी का स्ट्रक्चर है और ये विटामिन ई का स्ट्रक्चर है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स। ये सिंपली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन विटामिन ए सी और ई, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो जो फ्री रेडिकल था, जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पेड हो जाएगा, इससे क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट ग्लूटाथायोन कैसे एक्ट करता है। ग्लूटाथायोन आपको मैंने बताया था कि क्या करता है, न्यूट्रलाइज H2O2। ये न्यूट्रलाइज H2O2 कैसे करता है, ये यहाँ पे आ गया नेक्स्ट स्लाइड में। ग्लूटाथायोन ने क्या किया, इज अ एंजाइम, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, ये H2O2 में हो गया, H2O2 पे एक्ट किया, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके साथ पेयर बन गया, पेयर बनने की वजह से क्या हुआ, H2O बन गया। इसी तरह ये ग्लूटाथायोन ने इसको एक दिया अब इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये क्या बन गया, H2O बन गया, यानी इसने ग्लूटाथायोन ने न्यूट्रलाइज कर दिया H2O2 को इनटू वाटर, एंड वाटर इज़ नॉन टॉक्सिक। इस तरह से ग्लूटाथायोन ने फ्री रेडिकल को बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म पैदा करके फ्री रेडिकल को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट ये है मैकेनिज्म ग्लूटाथायोन का। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज जो सा है वो NADPH को तोड़ता है और NADP में कन्वर्ट कर देता है। जब वो NADPH को तोड़ता है तो ये H हाइड्रोजन अपने पास लेकर OH2O2 को दे देता है। जब H2O2 के पास एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, यानी एक एक ग्लूटाथायोन H2O2 को तोड़ेगा और एक दो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक हो गया, और ये रिएक्शन जो कर रहा होता है ये कौन करता है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। और ये NADPH किधर से आता है, ये NADPH आपकी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जहाँ हो रही होती है, ग्लाइकोलाइसिस का जो साइकिल होता है, ये NADPH वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग द मील, जब तक आप लोग खाना खा रहे हैं, आप स्टार्व नहीं कर रहे, तब तक NADPH बनता रहेगा और तब तक ये ग्लूटाथायोन रिडक्टेज NADPH से हाइड्रोजन लेकर पानी वाटर को बनाता रहेगा। ठीक हो गया है। अगला जो है मैकेनिज्म, पिछले में आपको मैंने बताया था कि वो कैसे जो उनसे हैं कि कोई जो अगर कॉपर और इसके अलावा आयरन आपकी बॉडी में उसकी मिकदार बढ़ जाए तो क्या होता है, उससे फेंटोन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिससे फ्री रेडिकल बनने लग पड़ते हैं। लेकिन आपकी बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन क्या करती हैं, आयरन को पकड़ कर रखती हैं और कॉपर को पकड़ कर रखती हैं। जब आयरन और कॉपर को कोई प्रोटीन पकड़ के रखेगी तो क्या होगा, ये उस रिएक्शन में फ्री रेडिकल जिस प्रोसेस से बनता है उस रिएक्शन में ये टेक पार्ट ही नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन और सरिलो प्लाज्मिन प्रोटीन ने क्या किया, कॉपर को पकड़ लिया और ट्रांसफेरिन प्रोटीन ने Fe यानी आयरन को पकड़ लिया। तो जब ये दोनों चीज़ें उसने प्रोटीन ने पकड़ ली तो कॉपर भी नहीं काम कर सकता, आयरन भी काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में आप फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे इन दोनों की वजह से। ठीक हो गया, ये एक तरीका है। अगला तरीका है स्कैवेंजिंग एंजाइम, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिनको जो एंजाइम एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करके फ्री रेडिकल की अब जो हार्मलेस कर देते हैं, वो एंजाइम था सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज क्या करता है, सुपर ऑक्साइड पे एक्ट करता है और इसको H2O2 में कन्वर्ट कर देता है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। जो कैटलेज एंजाइम है, ये कैटलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, पेरोक्सीसोम्स होते हैं सेल के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये कैटलेज एक्ट करता है H2O2 को और H2O2 को कन्वर्ट कर देता है वाटर के अंदर।
इसी तरह ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज क्या करता है, ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये भी H2O2 पे एक्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है H2O2 को किस में, वाटर के अंदर। इस तरह से आपकी बॉडी क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म अपनाती है। अब आपको एक और जल्दी से मैं रिव्यू दे दूं, पहला डिफेंस मैकेनिज्म क्या था, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, दूसरा क्या था, स्पॉन्टेनियस डिके, ठीक हो गया, और एक मैकेनिज्म क्या था, स्पॉन्टेनियस डिके के साथ एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन ए सी ई और इसके साथ साथ सेरुलोप्लाज्मिन, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाती हैं जिससे आपकी बॉडी क्या एंजाइमेट फ्री रेडिकल से गेट रिड ऑफ हो जाती हैं। थैंक यू।